गैंगस्टर मामले में जेल में बंद अफजाल अंसारी को 90 दिन बाद मिली जमानत, जेल से हुए रिहा। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, जिनको गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह लगातार जेल में बंद थे। इस दौरान उनके द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए जमानत का निर्देश दिया था, जिसके बाद जनपद न्यायालय में 1-1 लाख के 2 जमानतदार ने उनकी जमानत ली और इसके बाद जमानतदारों की वेरिफिकेशन के साथ ही उनके जमानत की संपत्ति का भी वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें जिला कारागार से गुरुवार की शाम 7 बजे के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान उन्हें लेने के लिए मोहम्मदाबाद के विधायक मनु अंसारी वहाँ मौजूद थे। हालांकि मनु अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनकी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का कोई झंडा नहीं लगा था। इस दौरान उनकी रिहाई को लेकर जिला जेल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वहीं पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की रिहाई के समय जेल के बाहर उनके समर्थक नहीं देखने को मिले। जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से उन्होंने कहा, तबीयत ठीक है। उच्च न्यायालय से 24/7/2023 को गैंगस्टर एक्ट में इनको जमानत मिली हुई है और उस जमानत के तहत आज जो है जमानत भरा गया, कल भरा गया और आज जो है वेरिफिकेशन होने के बाद, जमानतदारों का वेरिफिकेशन होने के बाद आज उनको रिहा किया गया। कितने जमानतदार थे? 2 जमानतदार, 1-1 लाख के 2 जमानतदारों दिया गया है और उसके तहत उनकी आज रिहाई हुई है। इनको जमानत 2 दिन पहले मिल गई थी और 2 दिन बाद रिहाई हुई। वो ऑर्डर जब दाखिल हुआ है, बेल बॉन्ड दाखिल हुआ है, तो बिना वेरिफिकेशन के, जमानदारों के बिना वेरिफिकेशन की कोई रिहाई नहीं होती है, इसलिए उनका जमानदारों का वेरिफिकेशन हुआ है, थाने से हुआ है, तहसील से संपत्तियों का हुआ है, तब आज जो है माननीय जज सामने उनको रिहाई का आदेश किया है। दर्शकों को समझाने के लिए वकील साहब ये बताएं कि अफजाल अंसारी को सजा हो गई थी, ऐसे में उनको जो जमानत मिली है तो क्या उनकी सजा में होल्ड किया हुआ है हाईकोर्ट ने, अब आगे क्या करें? उनको जमानत एकदम फाइनल जमानत दी है और सजा पे अभी सुनवाई के लिए अभी आगे है, तारीख पड़ी हुई है। अभी अफजाल अंसारी का अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाए? अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और या तो हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई पूरी करा सकते हैं। इस जमानत में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है? नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। जमानत में कुछ शर्तें भी हैं? शर्त है कि आप उपस्थित होते रहेंगे माननीय उच्च न्यायालय में और एविडेंस को कोई टेम्पर नहीं करेंगे। तो सारे एविडेंस हो गए हैं तो आप टेम्पर करने का तो कोई ये नहीं है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के कुछ निर्देश हैं उसके तहत। उनका स्वास्थ्य कैसा है अफजाल अंसारी का? अभी निकले तो उन्होंने कहा अब नहीं ठीक। अब स्वास्थ्य के बारे में मुझे उतना नहीं है, लेकिन वो बहुत तबीयत खराब थी। रिपोर्ट मांगी गई थी सीजीएम के यहाँ से, जिसमें से आया था लिख करके उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ब्लड प्रेशर, शुगर। हाँ, डॉक्टर ने खुद रिपोर्ट दिया था जेल से।